मैं दिल्ली से हूँ, ये करता मैं अच्छा लगता। आप कर रहे हो यार ऐसे, तो दिल्ली के होंगे पक्का काफी लोग, काफी सही। कितने लोग दिल्ली के? सच्ची तना एक बार, एक फैमिली मुझे वो पता है, कितने लोग दिल्ली के? शांति से बोल रहे पहली बार। काफी सही, पुणे वालों का काफी कह रहे हैं इनके बारे में, कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। बट नहीं, गुड टू हैव यू इन दी ओशिवार, काफी सही। अरे काफी पूरे परिवार इकट्ठे। आठ नौ लड़कियां, अकेली बहन। ये इंटरेस्टिंग है भाई साहब। आप लोग रिक्शा चलाते हो, क्या करते हो? क्या करते हो आप लोग? अकेली एक लड़की तुम्हारे में देख रहे हो, लाइन से देखो लड़के सारे। आपकी सच्ची फैन है? नहीं फैन, उसका छोड़ो अपना बताओ पहले। भाई सब भांति के हर रंग, लॉलीपॉप, पॉपिंग सीखी हमने, पॉपिंग सारे कलर के लोग बैठे हैं, सारे कलर के। मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूँ, क्या मजबूरी रही आप? मतलब इधर मिक्स जाते, तीन लड़कियां बैठी हैं, देखो खूबसूरत लड़कियां बैठी हैं, अच्छी लग रही है, देखो तीन, वो देखो बराबर मैंने मैनेज किया हुआ इन्होंने। तुम्हारी शादी में पर प्लेट सबसे ज्यादा पड़ेंगे, बहुत महंगे पड़ेंगे आदमी ये लोग। सबसे पहले तुम क्लोज बैठे हो, सबसे नजदीक, लकी ड्रॉ में नंबर निकला तुम्हारा। ऐसे नहीं होता भाई साहब, ऐसी रजनीगंधा नहीं बनता। जस्ट जानना चाह रहा हूं ब्रदर, कैसे? कुछ तो बताओ ऐसी, कुछ इसको मेरी जरूरत नहीं थी, आप बैठ गए, इसको पैसे दे दो भाई साहब। उसकी जिंदगी सपना था कि खुश रहे लड़की, आगे साथ में बैठ गई। बाबा शीढ़ी से निकल जाओ यहां से, आओ हो गया तुम्हारा। कहां से लेकिन, कहां से कैसे जानते हो आप सबको? तो कितने साल अंतर बैठ गई फिर, पागल है क्या? आप उठ जाओ ना बेचारे को, बैठने दो बेचारे को। उसको उसका तो ना आ गया, तेरा ना, आपका ना पहले सुनना नहीं था। लड़कों की नानी होती भाई साहब, लड़कों की नानी होती, उन्होंने बोल दिया तब बात। कोई बात नहीं मैम, कैसे जानते हो इसको आप? स्कूल फ्रेंड्स काफी, तो बेटा जब स्कूल तक नहीं हुआ फिर परिवार की सोच रहे, नहीं होता भाई। देख रहे हो मैडम, क्या कर रहे हो? अच्छा क्या कमी रह गई भैया, मैं बताऊं? जनरली पता होना चाहिए आदमी को, रिजेक्शन का तो पता लगे ना। वैसी आईटी में नौकरियां नहीं मिल रही, वैसे दिन बन नहीं आ रहा। हाँ मैम बताओ क्या? लेकिन अच्छा, आर यू डेटिंग समबडी? ये बस लड़कियों की हाँ ना देखते रहते, हाँ ना। दो बहनें आई हैं, देखो देखो। ओहो, सीता गीता दोनों इकट्ठे आई हैं। सीता गीता कैसे हैं आप दोनों? क्या करते हैं तीनों, क्या करते हो आप लोग? ओह मैन, पुणे के अंदर कुछ सरप्राइज तो नहीं मिला मुझे। इंजीनियर्स किस में? आईटी मैम। आप बहू ऐसा काम भी करो बताते हो, शर्म आ रही है। बता ही नहीं पा रही मैं एक्चुअली। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूँ, इन सब बच्चों की वजह से, मैं वैसे मेरा मन नहीं पूछने का कि मैडम बिना काम के सैलरी कैसे लेते हो, लेते हैं? मैं पूछ रहा हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं है। हाँ किसको पूछना है तुम्हें? रवि के साथ ऐसा मत करो, रवि गर्लफ्रेंड है आपकी कोई? नहीं।
चोट लगती है दर्द आपको होता है, खाना ये खाता पेट आपका भरता है, आपकी जब शादी होगी तो ये जाएगा। कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप, कहाँ से लाए हो सर, ये कहाँ से लाए हो? मैम आर यू आल्सो मैरिड? अरे मैम अरेंज वाज इट अरेंज मैरिज लव मैरिज? सर ऐसी क्या बात हो गई, आधार कार्ड ऐसी शक्ल गंदी थोड़ी डाल, ऐसी भी तुमने कर अपने आप को ऐसे करे गंदा ऐसे आपसे, तो ये बंदा क्या करे फिर आप क्या करोगे, क्या करे, ये इतने सारे भाई आए हैं इसके सारे सारे क्या करे ऐसे नहीं तो सर, ये कॉन्फिडेंस और पढ़ाई लिखाई भी हमकी चीज भी होती है। आपको क्यों लग रहा है आधे लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, इनमें से इन्होंने क्यों पढ़ाई करी है, इनके माँ बाप ने झूठ बोला बेटा वैसी मैकेनिकल हुई तुम्हारी नौकरी लगती, ओहो डाउरी में 20 लाख देने पड़ेंगे। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ मैम, इनमें क्या क्वालिटी पसंद आई आपको, क्वालिटी बताइए मुझे एक। वो पहले से अपनी बेइज्जती कर रहे हैं। मैम आपको क्या क्वालिटी चाहिए एक लड़के में, मतलब ये इकट्ठे मत बोलना बस ये। तुम्हारी कसम तुम्हारा अगर इच्छा हो ना आखिरी में स्वयंवर करा दूंगा तुम्हारा। देख रेडी रही दोनों, देख ताली जा रही इस बात में, देख भरे बैठे बता रहा हूँ इंजीनियर भरे बैठे बता रहा हूँ। किसके साथ हो भाई तुम? ओम बाबू तुम वॉलमीटर पीते पीते क्या कर रहे हो, कोई बात नहीं भगवान अपने अपने होते हैं। क्या क्वालिटी पसंद आई भैया में? अरे मन से बना लो, झूठ बता दो, वो तो सांस लेते हैं, क्वालिटी है भाई ऐसे कैसे होता है, करे ओटू ऐसे लेते हैं एकदम से नहीं। चलो ठीक है मैम, वो क्वालिटी आपको क्या पसंद आई किसी लड़के में, इन जनरल पूछ रहा हूँ बस। लॉयल्टी, काफी सही लॉयल्टी है, अंडरस्टैंडिंग मैम, गर्ल्स लव शॉपिंग। आई वुड लाइक अबाउट ऑफलाइन शॉपिंग बिकॉज क्या हुआ, क्या हुआ आचार्य जी, आप पूरे दिन खाली हो शॉपिंग के अलावा क्या कर रहे हैं आप पूरे दिन ऑनलाइन, ये राइट राइट राइट, यू लव शॉपिंग मैम, काफी सही। आपका बॉयफ्रेंड है कोई? नहीं। क्यों? माय गॉड, तो वॉलमार्ट के बंदे से शॉपिंग कर लो, शादी कर लो, दरबार खुलता रहेगा, गेट खुलता रहेगा, आपके ऊपर पर्ची में छेद करेगा बिल वाली में, जीवन में खुश रहोगे देख लो। मैडम गुड इवनिंग, मैडम गुड आफ्टरनून, क्या चाहिए जीवन में आपको, ग्रीटिंग मिल रही है, कितने साल सहेली आपकी है? बस आई गेस यू इट्स अ टाइम टू मूव ऑन। सेम रूम में रहते हो क्या, सेम घर में रहते हो सर? वो लग रहा है मुझे सेम, आप भी साथ में रहते हो, आप देखो देख रहे हो, काफी सही, नहीं आप तो ठीक हो, आपको बॉयफ्रेंड भी ठीक ही है। रवि ठीक हो आप? जैसी मैं बात कर रहा हूँ वो देख रहे, आप वो लेके आते हैं अलग से डंडे अलग वैसे अलग होगा लेके आते हैं आप, वो सही रहते हैं आपके लिए। रवि आप क्या करते हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो क्या हंसने की क्या बात थी, तुम कौन सा नासा में साइंटिस्ट लगे हो, उस पे हंस रहा है, उस पे हंस रहा है, बता बेचारे पे क्या कसूर है, उस बंदे का स्ट्राइप वाली टी शर्ट ही तो पहनी उसने, ऐसा क्या गलत कर रहा है बता बता बेचारा, मतलब पेट खींच रहा है अंदर ऐसे करके अंदर, क्या हो गया? बेकार दोस्त है ये, बता रहा हूँ मैं आपको, रवि बता ये ऐसे तरीकों में रहता है, ये कौन सी तालियां होगी, मैं घर जाऊंगा मम्मी पूछेगी बेटा क्या करके आया, वो ताली डालता है ऐसे, और भट्टी में काम करते हो क्या, या तंदूरी नान लगा लिए तुमने ऐसे,
ऐसे ताली ऐसे कौन हो जाता है यार, ये कौन सी तरीके की है? मैं बता रहा हूँ आपको, एक फटा नोट के टिंडर पे जैसे कोई मैच आता ना, हमारे दिमाग में एक ही ख्याल आता कि सामने वाले को पेलना है। इनकी शादी हुई है तो मैं लॉयल्टी चाहिए थी, लॉयल्टी देखो, वरना सीट से कूद कूद के नाच रहा है बाहर। अब मत मांगना लॉयल्टी, ठीक है? एक तो ना पति पति कोई बात नहीं सर, हंसो, अंदर का महल है ये, जितना बाहर निकला सही रहता है। एकदम से डॉक्टर एकदम से देख के बोले, भाई साहब क्या है भाई साहब, महल है भाई साहब, अंदर काफी डर्टी। कैसे मैडम, आपने क्या क्वालिटी दी थी इनके अंदर? चलो नेक्स्ट मूव ऑन, आप बाहर जाओ, मजाक निकला कर, यहाँ कोई त्रकरी बन के आना चाहे ना बंदा, बता रहा हूँ आपको। अंदर एक आदमी आदमी वही रहता है, बता रहा हूँ मैं, आदमी वही रहता है, वैसा आदमी सुधर रहे हैं। मुझे, मैं कन्फेस करता हूँ कि आई लव बिचिंग। है कोई आप में से जिसको बिचिंग पसंद है? क्या आप बात कर रहे हो सर? देखो बताता हूँ, जैसे ना कार्बन, कार्बन की प्यूरेस्ट फॉर्म है डायमंड, वैसी कम्युनिकेशन की प्यूरेस्ट फॉर्म है बिचिंग। हमारी बॉडी में दो तरह के सेल होते हैं, व्हाइट बिचिंग सेल और रेड बिचिंग सेल। इतनी प्यारी गेम है यार, कितनी प्यारी गेम है बिचिंग, बताओ। दो लोग से लेके हजार लोग इकट्ठे खेल सकते हैं, कोई लड़ाई नहीं होती भाई, बिचिंग में लड़ाओ, लड़ाई हुई कभी बताओ आपकी? इतनी प्यारी गेम होती है भाई बिचिंग करना, एक बार बैठो थकता ही नहीं आदमी, शाम तक करता रहता, घंटों करता रहता, करता ही नहीं। आप किसी काम करते करते बिचिंग पे चले जाओगे, पर बिचिंग से काम पे नहीं आ सकते आप। बहुत खूबसूरत चीज है और बड़ा आसान होता है, जैसे आप खड़े हो बिचिंग करते, आप भी घुस जाओ हमारे साथ, खेलते रहेंगे बैठे बैठे, क्या करें, इतनी प्यारी बिचिंग गेम हो जाती है। आपको जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ दस लोग खड़े हैं, दस लोग खड़े हैं, कभी ओवरलैप नहीं होता, देखा तुमने कभी ओवरलैप हो रही हो, बातें होती नहीं, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एकदम बोलना, अच्छा तेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ तो, एंड नाउ यू आर लीडिंग द पिचिंग। इतनी खूबसूरत, मैं कह रहा हूँ करा करो भाई साहब। अच्छा जी, वैसे बुरा क्या लड़के में बताओ साहब, लाइक आप देख रहे हो दुनिया में कहीं ना कहीं तो, कहीं तो कहीं तो शादी करनी है कभी। मैं पार्ट टाइम में ये भी काम करता हूँ भाई साहब, 2000 की 3000 बन जाए, क्या आदमी की दिक्कत है। अच्छा जी, आपको क्या क्वालिटी चाहिए लड़के में, बस आप बताओ। तो स्वेटर बोल लो, खाली हो तो इतनी देर से कुछ ही कर लो, खाली बैठे मैं बताओ, बताओ बता, लड़का बिल्कुल खाली तैयार बैठा है, पिछले जेब में मंगलसूत्र भी निकल ही आएगा, वो तैयार है, बता रहा हूं मैं आपको, तैयार है वो। हाँ हाँ, सांस लो, ऑक्सीजन छोड़ो, वो बता देगा। बहन बताओ क्या बुराई, आप दिखाओ, आप शादी में नाचोगी? आप ही कहोगी जी जू जी, भाई यही होती है छठी मुंडेर बना, जीजू जीजू जीजू, यही होंगी ना वो लड़की, तो क्या हो गया, बन जाएगी तो क्या हो, जीजू की फीलिंग नहीं आ रही इनसे, कर देना शाला का शाला। वो रेडी है भाई खाना खाने के लिए, वो खड़ा हो रहा है भाई साहब, खड़ा हो रहा है, कह रहा मम्मी मैं चले, अगर मैं कल दिल्ली ना पहुंचूं तो रिकॉर्डेड है, ये है वो, बस बुरा नहीं है ऐसे बताऊं, दिल का बहुत अच्छा है ये बता रहा हूं, बोतल में डालोगे शराब बन जाएगा, दूध में डालोगे तो मलाई बन जाएगा, बता रहा हूं। देखो नाखून, काले नाखून लेके आइए, काले नाखून, भाई साहब कैसे कर लो तुम ये इतना, कभी डर लगता कि दूसरा ऑर्डर लग जाएगा, एक सारे मासूम चेहरों पे इतना इनोसेंस खराब हो गया कि चेहरों का, कैसे ब्लैक नेल पॉलिश कैसे लगाई आपने? हाँ ग्रीन, तो ऐसे कलर की होती है दूर से ब्लैक दिखे, आज एक्सर की तो भंडर निकल गया था।
ये अंदर से कुछ निकल गया चार वाला की तरह मैं ये इस बात पे दम नहीं था इस बात में मुझे पता था कई लोग कह रहे क्यों हंस रहे इस बात पे घर जाकर मैं दोस्तों को बताइए पता किस बात पे हंस रहे थे वो ग्रीन प्लेस ब्लैक दिखते हैं तुम्हारा नुकसान हो रहा है इन्होंने अपने मंदिर में एक मंदिर में ऐसा बना रखा है इसमें कुसुर लगा रहे हैं तो कैसा लगा शो?